प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था कि कैसे ESP32 सीरियल कम्युनिकेशन करता है हमारे ऑर्डिनो से, और ESP32 कैसे गूगल API की हेल्प से जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर काउंट रियल टाइम में चल रहे हैं जो इस चैनल पे, उसको कैसे डेटा फेच करता है। और एक तीसरी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने क्या किया था कि ESP32 पहले गूगल API की हेल्प से डेटा फेच कर ले रहा और उसको सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू सेंड कर दे रहा है ऑर्डिनो के सीरियल मॉनिटर पे। ये वीडियो लास्ट पार्ट है जिसके अंदर क्या है कि ESP32 डेटा फेच करेगा गूगल API के थ्रू और सब्सक्राइबर काउंट को सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू सेंड कर देगा ATmega328P माइक्रो कंट्रोलर की तरफ, और ये माइक्रो कंट्रोलर कम्युनिकेट करेगा LED मैट्रिक्स से और जो रियल टाइम सब्सक्राइबर काउंट है उसको प्रिंट कर देगा, और वो भी स्टिल कैरेक्टर्स हैं, स्क्रोलिंग नहीं है। क्योंकि LED मैट्रिक्स मैंने जो अपनी फर्स्ट वीडियो में जो बनाया था उसमें क्या था कि टेक्स्ट जो मैं इनपुट कराऊंगा वो स्क्रोल होता था, तो मैंने इसमें कोड चेंज कर दिया और सारे कोड में मैंने कमेंट कर रखे हैं हर एक लाइन के साथ कि वो क्यों है। पहले कोड की तरफ जाने से पहले मैं तुम्हें ना एक ओवरव्यू दे देता हूँ डायग्राम के थ्रू कि कैसे चीजें काम कर रही हैं इसके अंदर। सबसे पहले क्या होगा कि हर 10 मिनट में ATmega328P एक सिग्नल देगा, वो सिग्नल जाएगा ESP32 के पास। ESP32 फिर क्या करेगा, गूगल API को कॉल करेगा जिसमें उसको एक JSON फाइल मिलेगी, उसको डीसीरियलाइज करेगा। डीसीरियलाइज करने पर उसमें से वो सब्सक्राइबर काउंट निकाल लेगा और उसको सेव कर लेगा। फिर सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू उसको TXRX की पिन के थ्रू ATmega328P माइक्रो कंट्रोलर के पास भेजेगा, वो माइक्रो कंट्रोलर फिर उसको अपडेट कर देगा LED मैट्रिक्स पे। फिर 10 मिनट बाद फिर वो सिग्नल भेजेगा, फिर ESP32 बात करेगा YouTube API के थ्रू, सब्सक्राइबर काउंट लेगा, फिर उसको UART के थ्रू फिर से माइक्रो कंट्रोलर के पास भेजेगा, वो LED मैट्रिक्स पे प्रिंट कर देगा। पहले ऊपर डिफाइन कर दिया कि कौन सा सीरियल मेरे को यूज करना है, UART नंबर 2 ये डिफाइन करना पड़ता है, wifi.h फाइल को और wifi client.h को, और ऑर्डिनो जेसन, क्योंकि मैं जो आउटपुट में API की मिलती है वो जेसन फाइल होती है और उसको डीसरलाइज करना पड़ता है जिससे हम उसको यूज़ कर सकें। ये मैंने डिफाइन कर दी कौन सी TX और RX पिन मैं यूज़ करने वाला हूँ, और ऑब्वियसली तुम्हें नहीं दिख रहा होगा ये मेरे SSID वाईफाई का नाम और पासवर्ड, उसका सब्सक्राइबर काउंट, सीरियल डेटा, सब काउंट, सेंड सिग्नल, और ये इम्पॉर्टेंट है serial2.begin लिखना, क्योंकि इसमें क्या कि UART नंबर 2 को ही हम यूज़ करने वाले हैं तो उसका नाम, उस सीरियल का नाम हो चुका है सीरियल नंबर 2, और 9600 ये बॉड रेट है। ध्यान रखना अगर कम्युनिकेशन करना है दो माइक्रो कंट्रोलर के बीच में तो उनका बॉड रेट सेम होना चाहिए। ये wifi begin, wifi password और SSID यूज़ करेगा, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। लूप में आता है कि एक ही फंक्शन है anything new। एनीथिंग न्यू का मतलब है कि जो सेंड सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर ATmega328P भेजेगा उस सिग्नल को रीड करेगा डिजिटल रीड के थ्रू। अगर वो सिग्नल हाई होगा तो ये सब्सक्राइबर वाले फंक्शन को कॉल करेगा। सब्सक्राइबर वाले फंक्शन में गूगल API है और वो जेसन फाइल को उठाएगा, फिर उसको डीसीरियलाइज करेगा और सब्सक्राइबर काउंट ये रहा एज अ स्ट्रिंग वो उसको डाल देगा सब्सक्राइबर काउंट में। सब्सक्राइबर काउंट में डालने के बाद हम उसको सब में डाल लेंगे एज ए इंटीजर जिसको हम यूज़ कर सके आगे फंक्शंस में। फिर उसके बाद एनीथिंग न्यू में फिर UART ESP32 टू ऑर्डिनो ये वाले फंक्शन को कॉल करेगा। इसके अंदर सिंपल सा जो स्ट्रिंग वैल्यूज आई थी सब्सक्राइबर काउंट उसको वो serial2.write फंक्शन के थ्रू राइट कर देगा स्ट्रिंग को और सेंड कर देगा हमारे माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर, और इस डेटा को वो सेंड कर देगा माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जिससे कि उस डेटा को हम प्रिंट कर सकें और जैसे चाहिए यूज़ कर सकें। ओके, तो ये मैंने रजिस्टर, क्लॉक और लैच की पिन डिफाइन कर रखी हैं। इसके बाद ये वो हेक्स वैल्यूज़ हैं 8x24 LED मैट्रिक्स की, और ये जो D24 है ये वो वाली हेक्स वैल्यूज़ हैं जो प्रिंट हो जाएंगी लूप में LED मैट्रिक्स पे, और ये अभी ब्लैंक हैं 0x00, ये हेक्स वैल्यू 00 रखी हैं, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने कैलकुलेट करी हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर आता है ऑनलाइन गिटअप का, मैंने उसकी हेल्प से इसको क्या नाम है कन्वर्ट किया है। पहला कैरेक्टर ए प्रेजेंट कर रहा है, बी सी, और ये 8-bit का डेटा है,
फिर इसके बाद ये लेंथ डिफाइन किया, यहाँ पे सारे वेरिएबल डिफाइन कर दिए मैंने। लेंथ अल्फ़ा हमारा अल्फ़ाबेट के लिए, ई हमारा शिफ्ट रजिस्टर के लिए, एफ हमारा लेंथ के लिए, यही सब है इसमें। और जो टेक्स्ट 400 है तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट की वैल्यू जो प्रिंट होगी एलईडी मैट्रिक्स पे वो 000 होगी, फिर उसके बाद वो डेटा फेच करके उसको चेंज कर लेगा। और ये मैंने पिन डिफाइन कर रखी है, डेटा रिसीवर, करंट, पीरियड, और ये है हमारा वेटिंग 10 मिनट के लिए। बस इसको अनकमेंट कर देना, मतलब ये दो है ना इन्हें हटा देना, और फिर ये हो जाएगा। और इसको कमेंट कर देना, ये भी 10 सेकेंड के ऊपर सेट कर रखा है। और सीरियल बिगन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूआरट कम्युनिकेशन करना है तो सीरियल बिगन 9600 बॉड रेट है इसका, जिससे सिस्टम ऑन रहेगा। ये सब डिफाइन कर दिया। लूप में क्या क्या चलेगा, सबसे पहले चलेगा वेटिंग रूम फॉर 10 मिनट। तो लूप में पहला फंक्शन ये कॉल होगा, तो वेटिंग रूम फॉर 10 मिनट ये रहा। करंट मिलीस, मिलीस फंक्शन तुम्हें पता ही है, जैसे सिस्टम बूट अप होता है तो इसमें मिली सेकेंड में टाइम स्टार्ट हो जाता है, एक काउंटर की तरह होता है। तो ये डेटा करंट मिली एस के अंदर डालेगा, फिर ये चेक करेगा, जैसे ही 10 मिनट होंगे ये टेक्स्ट फ्रॉम सीरियल को कॉल करेगा। टेक्स्ट फ्रॉम सीरियल फंक्शन ये रहा नीचे की साइड। इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले देखेगा कि सीरियल अवेलेबल है कि नहीं। अगर सीरियल अवेलेबल है, थोड़ा डीले लेके जो भी उसके अंदर वैल्यूज़ होंगी उसको वो सेव कर देगा टेक्स्ट के अंदर, और फिर सीरियल फ्लश कर देंगे, जिससे बाकी बची बफर वैल्यूज हट जाएंगी। और जो टेक्स्ट में, जो टेक्स्ट है वो स्ट्रिंग में होगा, तो उसको ATOI फंक्शन के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसको हम अदर फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऊपर आते हैं, लूप में आएगा इफ न्यू सब्सक्राइबर वाला फंक्शन। ये रहा इफ न्यू सब्सक्राइबर फंक्शन में ये होगा कि ये करंट वैल्यू को चेक करेगा प्रीवियस वैल्यू से, कि अगर वो इक्वल नहीं है तो बजर की आवाज़ आएगी, नहीं तो फिर ये फंक्शन पास हो जाएगा। पास होने के बाद आएगा टेक्स्ट कंपैरिजन, टेक्स्ट कंपैरिजन फंक्शन ये रहा, छोटा सा ही है। इसमें क्या कि एक एक करके वो टेक्स्ट में एरे चलाएगा, टेक्स्ट 0, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, उसके इंडेक्स पे एक एक करेक्टर को चेक करके एरे एफ फंक्शन को कॉल करेगा। वॉइड एरे फंक्शन ये रहा, जिसके अंदर मैंने सब डिफाइन कर रखा है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो कैसे क्या करना है। जब हमारे पास टेक्स्ट कंपैरिजन हो जाएगा, उसके बाद ही हम जाएंगे शिफ्ट रजिस्टर के पास। शिफ्ट रजिस्टर्स क्या करेंगे, वो जितना भी डेटा आया है उस पूरी स्ट्रिंग को, वो मतलब उस पूरे हेक्स डेटा को वो प्रिंट कर देगा एलईडी मैट्रिक्स के। तो डायग्राम से मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया था कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, ब्रॉडली पर्सपेक्टिव दे दिया था, और कोड के थ्रू मैंने तुम्हें बता दिया था कि कौन से फंक्शंस यूज किए हैं मैंने, और मैंने हर एक फंक्शन को कमेंट कर रखा है, और साथ में हर एक वेरिएबल के साथ भी कमेंट लगा रखा है कि कैसे चीजें हैं और उनका क्या काम है और क्यों यूज कर रखा है। बाकी अब मैं तुम्हें हार्डवेयर दिखाने वाला हूँ कि ESP32 का जो मैंने गेट का ऑटोमेटिक लॉक बनाया था उसमें मैंने क्या अपडेट किया है, कि अब वो गेट के जो लॉक सिस्टम है उसको भी संभालेगा, प्लस जो सब्सक्राइबर काउंट है उनको भी संभालेगा। और जो पुराना वाला एलईडी मैट्रिक्स था उसमें क्या अपडेट किया मैंने, जिसको अब हम इसके लिए यूज कर रहे हैं सब्सक्राइबर काउंट को प्रिंट करने के लिए। तो ये 8x24 एलईडी मैट्रिक्स जो बहुत पहले बनाया था, यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल रखी है इसकी, और ये ऐसा दिखता है पीछे से, अभी साफ किया थोड़ा सा मैंने। हाँ, तो ये बजर है जो न्यू सब्सक्राइबर आने पे बजेगा, और ये एलईडी सिग्नल इंडिकेटर है कि 10 मिनट या जितना पीरियड मैंने सेट कर रखा है कि इतना टाइम बीत गया, तो ये ब्लिंक करती है, जिससे आइडिया लग जाता है कि 10 मिनट बीत गए या फिर 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए। और ये भी बताती है कि अभी सीरियल टेक्स्ट फ्रॉम सीरियल फंक्शन को कॉल किया गया है। और ये इसके हेडर्स हैं जो कनेक्ट है, ये येल्लो वायर जो है ये माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर 2 है, और जो पिन नंबर 2 है वो RX पिन है, जो हमारी कनेक्ट होती है TX पिन से, किसकी, ESP32 की। तो इसमें बस ये लिटिल मॉडिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे पहले मीसो मोसी वाली पिन थी, SPI पिन थी, उनको अलग हटा दिया मैंने और ये सारी पिन यूज़ कर ली। और ये हमारा ESP32, तो ये लगा हुआ था ये गेट लॉक सिस्टम के लिए। तो ये दो जो मेल हेडर हैं ये अब नए ऐड हो चुके हैं, क्योंकि ये हमारी जो TX2 दिखाई दे रहा है,
ये TX2 UART नंबर 2 है जो कम्युनिकेट करता है हमारे LD मैट्रिक्स से, और इसके साथ में जो पिन है D5 वो सिग्नल रिसीविंग पिन है। तो जैसे ही 10 मिनट बीतते हैं इसके अंदर LED मैट्रिक्स के अंदर ये सिग्नल भेजता है हमारा D5 को। D5 जो इसके अंदर फंक्शंस हैं वो फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही D5 हाई होगा तो वो कॉल कर देगा सब्सक्राइबर काउंट वाले फंक्शन को प्लस UART2 ऑर्डिनो को, वो दो फंक्शन फिर सेंड कर देंगे डेटा हमारे सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू LED मैट्रिक्स पे। और भाई बाकी सब सेम है, बस ये दो मेल हेडर आ गए और फंक्शन चेंज हो गया है प्लस। और ये ना डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये 4 मीटर की वायर है मैंने यूज़ की है जिसके अंदर ये फीमेल कनेक्टर है, एक इसमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और लास्ट के दो जो येलो वाला है वो हमारा सेंड सिग्नल है, और जो ब्लू वाली वायर है वो हमारी सीरियल कम्युनिकेशन के लिए TX वाली पिन है। तो ये पॉजिटिव वाली नीचे लगेगी, यहाँ प्लस है, तो ये ऐसे लगता है। तो ये ऐसे लग जाता है, तो ऐसे लग जाएगा ये अलग से ये ऊपर, और बाकी ये जो हमारी वायर का दूसरा एंड है ये एल्युमिनियम वाली जो वायर है ये नेगेटिव है, और ये जो कॉपर वाली वायर है ये हमारी पॉजिटिव है। बाकी ये रहा हमारा फीमेल हेडर जो ESP32 में लग जाएगा। तो ESP32 सिग्नल वायर है और ब्लू वाली हमारी सीरियल कम्युनिकेशन की, जो ऐसे लग जाएगी। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव वायर यहाँ पे लग जाएंगी ESP32, और ये सीरियल वायर और सेंड सिग्नल वायर, और ये पावर की केबल, ये हमारी वायर, और ये रहा हमारा LED मैट्रिक्स जो अपनी जगह पे लग चुका है, और ये 12 वोल्ट का अडैप्टर मैं इसको लगा दिया। ESP32 ऑन हो चुका है और इनिशियली LED मैट्रिक्स पे 000 आ रहा है, मैंने बताया था टैग स्टार्टिंग में 000 होता है, और अभी मैंने इसको सेट कर रखा है शायद 5 या 10 सेकंड पे सेट कर रखा है। तो जैसे ही LED ब्लिंक करेगी और अपडेट के लिए कहेगी तो सब्सक्राइबर काउंट आ जाएंगे, और ये बजर है तो जैसे ही कोई नया सब्सक्राइबर आएगा तो ये बीप करेगा। और अभी मैंने इसको 10 मिनट पे सेट नहीं कर रखा तो इसलिए अभी अपडेट कर रहा है बार बार एक ही चीज़ 10 सेकंड के अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 YouTube चैनल है, और ये मेरा दूसरा अकाउंट है, तो मैं पहले इसको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। ठीक, अब देखते हैं। 1 बीप के साउंड आई और 353 हो गए। अब मैं इसको दोबारा सब्सक्राइब करता हूँ। ऐसे ही 10 सेकंड पास होते हैं, और ये 10 सेकंड मैंने वीडियो के लिए अभी कर रखा है, बाद में मैं इसको 10 मिनट कर दूंगा। तो जो 10 सेकंड जैसे ही पास होंगे तो माइक्रो कंट्रोलर ATmega328P सिग्नल भेजेगा हमारे ESP32 को। ESP32 वो सिग्नल को रीड करके सब्सक्राइबर काउंट फेच करेगा और सीरियल कम्युनिकेशन करके डेटा भेज देगा हमारे ATmega328P माइक्रो कंट्रोलर की तरफ, और वो माइक्रो कंट्रोलर फिर उस चीज़ को अपडेट कर देगा, प्लस वो चेक करेगा कि प्रीवियस वैल्यू से क्या ये चेंज हुआ है सब्सक्राइबर अकाउंट। अगर चेंज होगा तो वो बजर बजेगा और हमें पता चल जाएगा कि नया सब्सक्राइबर कोई आया है, नहीं तो वो सिंपली अपडेट कर देगा।